थाना नालेश पार्क और एसटीएफ मेरठ के ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस मुठभेड़ में नवीन और छोटा, जो हरियाणा का रहने वाला है, शातिर अपराधी है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 32 बोर की पिस्टल, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन लोगों ने नालेश पार्क थाना क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है हत्या का। इन लोगों ने रोहित नाम के लड़के को बुलाने के बाद दिल्ली के डीडीए कॉलोनी सेक्टर 34 में इन लोगों ने उसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद वहां पर बाथटब में, जब वो नशे में हो गया तो बाथटब में डुबो करके उसको मार दिया और गाड़ी में ला करके एपीजे इंस्टीट्यूट के पास जो नाला है नालेश पार्क क्षेत्र में, वहां पे फेंक दिया। बॉडी की शिनाख्त कराई गई, अन्य बिंदुओं का परीक्षण कराया गया, कुछ सोशल मीडिया साइट्स का भी अध्ययन किया गया। इसके आधार पर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। इसमें अन्य इनके कुछ साथी हैं, उनके लिए भी टीमें दबिश दे रही हैं। ये बहुत ही शातिर गैंग है। इन पर दर्जनों भर हत्या, रंगदारी, लूट के मुकदमे हैं। 25,000 का इनामिया है। हरियाणा में कई घटनाएं इन्होंने की है। मुजफ्फरनगर में 13 हत्याकांड हुआ था, उसको इन्होंने अंजाम दिया है। ये बहुत ही शातिर अपराधी है। इसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। इसके अपने साथियों को पकड़ेंगे, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।